हरियाणा के भिवानी में एक बार फिर तेज रफ्तार ने दो लोगों की जान ले ली। यहां सोमवार देर रात जींद रोड पर धनहाना गांव के पास तीव्र मोड़ पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे नाले में जा गिरी, जिसमें पंजाब के रहने वाले दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार सवार दो पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए रोहतक PGI रेफर किया गया है। बताया जाता है कि पंजाब के समाना निवासी एक परिवार ने भिवानी के दादरी गेट पर कपड़े की दुकान की हुई है। इनकी यहां एक साल से दुकान है। देर शाम ये परिवार वरना कार में सवार होकर पंजाब से भिवानी आ रहा था। भिवानी में पहुंचने से महज 13-14 किलोमीटर दूर ही इनकी कार धनहाना गांव के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी, जिससे कार में सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी करीब 6 बजे हमें सूचना मिली थी कि गांव धनहाना के पास ड्रेन है, वहां एक तिरो मोड़ है, काफ़ी गहरा मोड़ है, और वहां पर वरना गाड़ी जो पंजाब समाना के रहने वाले थे आ रही थी, स्पीड में थी और उसका बैलेंस खराब होने के कारण ड्रेन में गिर गई, जिसमें दो औरत और दो व्यक्ति थे। औरत नीतू और संतोष की मौके पर ही मौत हो गई थी। हमने उन चारों को एम्बुलेंस का प्रबंध करके हॉस्पिटल में भेजा, जिनमें से दोनों जेंट्स जो हैं उनको डॉक्टर साहब ने PGI रेफर कर दिया। ये पंजाब में समाना के रहने वाले थे और यहाँ दादरी गेट पर उनकी कपड़े की दुकान है, अभी पता लगा है, और यहीं रहते थे करीब 1 साल से। इसमें तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जहाँ तक वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी और हमारे को सूचना मिली कि ये तेज गति से काफ़ी गहरा मोड़ है, तिरो मोड़ है, तो इसके कारण वहाँ काफ़ी पहले भी हादसे हो चुके हैं, जिसके संबंध में हमने नेशनल हाईवे को भी लिख रहे हैं कि वो इसके कारण ये हादसा हुआ है। जो दोनों लेडीज थी जिनका एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत होगी, उनको शवगृह GS भिवानी में रखा गया है, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया, उनके परिजन आगे सुबह इनका सभी का पोस्टमार्टम कराकर उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हरियाणा के भिवानी से इंद्रवेश, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।